नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या, दोस्त ने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। नागरिकों द्वारा आंदोलन के जरिए मलबा हटाने की गई मांग। और पुलिस स्मृति दिन पर शहीद पुलिस जवानों को दी गई मानवंदना। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर में रोजाना हत्या का मामला सामने आ रहा है। हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं गुरुवार को पांचपौली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते एक युवक को मौत के घाट उतारा। पांचपौली थाना क्षेत्र में किदवई मस्जिद के पास नया नकाशा इलाके में गोल्डी शंभरकर नामक युवक की आरोपियों ने निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपियों में सुन्ना तथा उसके दो साथी शामिल हैं। बताया जाता है कि गोल्डी कई दिनों से ड्रग्स बिक्री में शामिल था और इसी के लेनदेन में उसकी हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। हत्या का आरोपी सुन्ना के खिलाफ भी थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नया नकाशा लश्करी बाग इलाके में रहने वाला गोल्डी शंभरकर विगत कई दिनों से ड्रग्स बेचने का काम करता था। पांचपौली पुलिस को इसकी जानकारी थी, लेकिन ड्रग्स बेचते हुए गोल्डी कभी पकड़ा नहीं गया। वह सुन्ना उर्फ जहांगीर खान के पास से ही ड्रग्स लेता था। सुन्ना के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पैसों को लेकर हुआ विवाद हत्या में तब्दील हो गया। सुन्ना ने अपने तीन साथियों शरीफ फरियाद और नियाज के साथ गोल्डी को घेरा तथा घातक हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी सामने आई है कि गोल्डी अक्सर किदवई मैदान में दोस्तों के साथ बैठकर गांजा पीता था। इसकी जानकारी सुन्ना को थी और इसी कारण उसने किदवई मैदान के पास ही घेर कर उसकी हत्या कर दी। वहीं गोल्डी और सुन्ना दोस्त भी थे, मगर पैसों के विवाद में एक दोस्त ने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पांचपौली पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंची। गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े गोल्डी को इलाज के लिए मेयो अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान गोल्डी की मौत हो गई। अब पांचपौली पुलिस सुन्ना और उसके साथियों की तलाश में जुट गई है। आरोपियों की तलाश में जगह जगह तलाशी ली जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार है। पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पांचपौली पुलिस स्टेशन अंतर्गत आज भोजेश और गोल्डी शंभरकर नामक 24 सालचे युवकची हत्या झालेली आहे आणि ते हत्या चाकूने छातीवर, पोटवर आणि चेहऱ्यावर वार करून झालेली आहे। त्यामध्ये 4 आरोपी आहे, ज्यांचे नाव आहे जे शारिक खान आहे, जहांगीर खान आहे, फैयाद आहे आणि नियाज आहे। आणि जे आज सकाळी 9:30 वाजता ही घटना झालेली आहे। आरोपी आतापर्यंत अटक झालेले नाही आहे, पण त्यांचा शोध चालू आहे। घटनाचा जे कारण आहे ते आतापर्यंत समजला नाही आहे, पण असं आहे की ते दोनही आरोपी आणि मृतक ते मित्र होते आणि ते जे आरोपी आहे ते मृतकचे घरामधून आला होता आणि ते सोबत ते घटनास्थळावर गेले होते। आरोपी जे आहे ते जे मुख्य आरोपी आहे जे जहांगीर खान आहे त्यांच्यावर 324 गुन्हे आहे। 2018 मध्ये ते आखरीचा गुन्हा आहे आणि जे मृतक आहे त्यांच्यावर 307 एक गुन्हा 2018 आहे आणि त्यानंतर 399 2 गुन्हे आहे आणि आर्म्स एक्टचे गुन्हे आहे। नागपुर के बड़कस चौक में नागरिकों द्वारा प्रशासन के खिलाफ मलबा हटाओ आंदोलन किया गया। पिछले 1.5 वर्षों से सड़क किनारे पड़ा मलबा हटाने की मांग की गई। डेढ़ दो साल से प्रशासन द्वारा बड़कस चौक पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहां से निकलने वाला मलबा सड़क किनारे डाला गया है और ये मलबा 1.5 वर्ष से वैसे ही सड़क किनारे पड़ा है, जिस कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इस मलबे की वजह से अब तक कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसीलिए नागरिकों ने गुरुवार को बड़कस चौक परिसर में मलबा हटाओ आंदोलन किया। साथ ही हाथ ठेले के जरिए मलबा उठाते हुए प्रदर्शन किया गया और जल्द से जल्द सड़क का कार्य पूरा कराने के साथ मलबा हटाने की मांग भी की गई। हा मागच्या 1.5 ते 2 वर्षापासून हे रस्ता रुंदी करण्याचं काम चालू आहे। कसं आहे कलेक्टरच्या आदेशानुसार कॉर्पोरेशननीचे घरं तोडलेले आहेत. घरं तोडल्यानंतर हा मलबा रस्त्याच्या अशा कडेलाच टाकून ठेवलेला आहे. येता जाता इथे अपघात होतात आणि उचलायला आम्ही जेव्हा तक्रार केली तेव्हा PWD वाले कॉर्पोरेशनचं नाव सांगतात, कॉर्पोरेशन PWDचं नाव सांगते. शेवट हा मलबा उचलणार कोण हा प्रश्न आमच्यासमोर पडलेला आहे. त्यामुळे आम्ही हा मलबा आज NMC कॉर्पोरेशन गांधीबाग झोनला घेऊन जाणार आहोत. गुरुवार को नागपुर के पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्मृति दिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. हर साल की तरह इस साल भी नागपुर के पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्मृति दिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार अतिथि के रूप में उपस्थित थे. इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने परेड कर शहीद पुलिस जवानों को मान वंदना दी. साथ ही पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस कार्यक्रम में शहीद पुलिस जवानों के कार्य को याद कर उनके कार्य की सराहना की गई. साथ ही उपस्थित जवानों को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने मार्गदर्शन दिया, अपना कार्य जिम्मेदारी से पूरा करने की बात कही. इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी समेत पुलिसकर्मी शामिल थे. नागपुर कलमना इलाके में सरजाबार के पास नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया का उड़ान पुल बनने से पहले ही गिरने से कई विरोधी पार्टियों द्वारा आवाज उठाई जा रही है. वहीं गुरुवार को आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया. इस दौरान दोषी अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई. बंद करो, ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो, ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो. नितिन गडकरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. कृष्णा खोपड़े होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. कृष्णा खोपड़े होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो, ईमानदारी से काम करो, काम करो, काम करो. घटिया काम बंद करो, बंद करो, बंद करो. नागपुर भरतनगर कलमना परिसर में NHAI द्वारा निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा मंगलवार की रात अचानक गिर गया. कई सालों से बनाए जा रहे पुल में एक पिलर पर स्पेन को बियरिंग के लिए हाइड्रोलिक जैक से उठाया जा रहा था, तभी जैक से स्पेन फिसलकर गिर गया. रात करीब 9:30 बजे के बीच चौक से लगे भाग में हुए इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि इससे पुल निर्माण में किस दर्जे का इस्तेमाल किया गया है ये स्पष्ट होता है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है. गुरुवार को आम आदमी पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया. आंदोलन राज्य समिति सदस्य व विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े और राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता उपस्थित थे. इस दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई. इस ब्रिज को देख के लग रहा है कि कितना इसमें टेक्निकल फॉल्ट है. आप अगर खाली आंखों से भी देखेंगे तो जहाँ पे बेस पे सॉकअप पे जो बेस आना चाहिए वो सही जगह नहीं दिख रहा है, जिसके कारण इस तरह की हादसा हुई. और ये 5 साल से ब्रिज बन रहा है, मतलब 5 साल में भी अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं कैपेबल नहीं है. इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और साथ में जो दोषी अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता का पैसा का सदुपयोग हो सके और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो. पार्टी निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद विरोधी पार्टियों द्वारा शुरू विरोध पर क्षेत्र के विधायक कृष्णा खोपड़े ने अपना स्पष्टीकरण दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बेवजह इस ब्रिज को बदनाम किया जा रहा है. मंगलवार रात को पार्टी परिसर में निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद से ही विरोध पार्टियां भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. इस पर क्षेत्र के विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि विरोधी पार्टियां बेवजह इस पुल को बदनाम कर रही है. पुल कैसे गिरा इसकी जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसके जरिए जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि 2 वर्ष से महाविकास आघाड़ी सरकार ने नागपुर शहर में कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया है, बल्कि इस पुल को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने तो भाजपा सरकार का समर्थन करना चाहिए. साथ ही उन्होंने बताया कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब नागपुर में गोवारी उड़ान पुल गिर गया था, जिसमें 114 लोगों की मौत हुई थी. तब एनसीपी चुप बैठी थी. तसे या पारडी ब्रिजला भी यांनी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून लगातार या 2 दिवसामध्ये हे ज्या पद्धतीनं या ब्रिजच्या बाऱ्यामध्ये जी काही चुकीची जानकारी मीडियाच्या माध्यमातून देत आहे आणि ही जानकारी मीडियाच्या माध्यमातून जेव्हा येत आहे तर जे सत्य आहे ते कुठंतरी लपवण्याचं काम होत आहे आणि म्हणून या ब्रिजचा जो पोझिशन पडला आहे याची उच्चस्तरीय जांच होईल, ज्याचे जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई होईल. परंतु हे तिकडम सरकारचे शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारचे ज्यांनी या 2 वर्षामध्ये एक भी प्रोजेक्ट या नागपूर शहरामध्ये आणलं नाही, एक भी रुपया या नागपूर शहराच्या विकासाला दिला नाही। तेच लोक येऊन या ठिकाणी दिंगाने करण्याचे काम या ठिकाणी करत आहे। आपल्याला शायद माहीत असेल, शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असताना 114 गोवारी समाजाच्या लोकांची हत्या झाली। त्यावेळेस हे लोक चिडीचूप बसले होते। अनेक प्रकार राज्यामध्ये घडते त्यावेळेस हे लोक चिडीचूप राहते, परंतु नागपूर शहर नाही तर संपूर्ण देशाची शान असलेला हा ब्रिज, या ब्रिजच्या एवढा मोठा ब्रिजच्या कामाचं आपण कधी समर्थन तुम्ही करू शकत नाही। तर या पारडी ब्रिजला बदनामी कृपया करून करू नका, कारण तुमच्यानं काहीच होत नाही। हे उल्लूगिरी हे चुल्लूगिरीचे कामं तुम्ही आता सोडा, कारण जनता तुम्हाला पाहत आहे। हा पारडी ब्रिज हा देशातला नाही तर वर्ल्डच्या नंबर 1 ब्रिज या ठिकाणी बनवण्याचं काम गडकरी साहेबाच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालं आहे। आणि म्हणून जी घटना झाली याचं कोणी समर्थन करणार नाही, कारण 15 दिवस अगोदर आम्हीसुद्धा सगळे NHIचे अधिकारी असतील, GDCLचे जे प्रमुख असेल, आमचे सगळे नगरसेवक सगळे कार्यकर्ते कळमने ब्रिजपासून तर आम्ही त्या पारडीच्या चौकापर्यंत आम्हीसुद्धा पैदल करून वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, डिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर जिले के रामटेक शहर में तेंदुए की दहशत फैली है। आए दिन तेंदुए द्वारा शिकार होने की घटना सामने आ रही है। वहीं महात्मा फुले वार्ड में 7 बकरियों का शिकार किया गया। वन विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। रामटेक परिसर में तेंदुए द्वारा बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा है। महात्मा फुले वार्ड रामटेक निवासी पुष्पा भोपड़े के गोठे में सुबह 7 बकरियां मरी पड़ी थी। यह खबर हवा की तरफ फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुष्पा भोपड़े सुबह उठने के बाद गोठे में गई और वहां देखा तो उनकी 7 बकरियां गंभीर रूप से जख्मी होकर मृतावस्था में पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा शुरू किया गया। साथ ही वन क्षेत्र सहायक BN गोमासे और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की, साथ ही आगे की जाँच शुरू कर दी है। येऊन पाहत तर मला असं मेलेला दिसला, त्यामुळे मी सर्वांना बोलावले, पहा म्हटलं काय झालं माझ्याकडे। माझ्याकडे 9 बकऱ्या होत्या, 7 बकऱ्या मेल्या, वाढल्या तेव्हा 7 वाजता मला वाटलं की हे वाघासारखे वाटे फोडल्या तर वाघाचे नुकसान केलं। वाघाचे पंजे भिवले तेव्हा पाहिलं का हे मला मेलेला दिसला। यवतमाल जिले के आर्णी में कांग्रेस ने मोदी सरकार के विरोध में अभिनव आंदोलन किया। पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री मोदी के फोटो पर फूलों का वर्षाव कर उन्हें प्रणाम किया गया। फिलहाल रोजाना पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आम नागरिक काफी परेशान है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस के पूर्व नगराध्यक्ष अनिल आड़े के नेतृत्व में पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर फूलों का वर्षाव कर अभिनव आंदोलन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया गया। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आर्णी तहसील अंतर्गत या पेट्रोल पंपावर आम्ही मोदी साहेबांचं अभिनंदन करण्याकरता जमलेलो आहोत। मोदी साहेबांनी 7 वर्षापूर्वी जे सामान्य जनतेला आजच्या दिवशी स्वप्न दाखवले होते ते स्वप्न खरोखर मोदी साहेब तुमच्या आशीर्वादाने प्रत्यक्षात उतरत आहेत। आज जनता एवढी भरडल्या चाललेली आहे तुम्ही ज्या पदावर बसले तेव्हापासून भारतात कोणत्याही चांगलं काम करण्याचं काम आपण केलेलं नाही। आपल्या आजूबाजूला सामान्य जनता तर सोडा, अदानी, अडाणी, मोदी, अंबानी याच्यासारखे आपल्या आजूबाजूला सामान्य जनतेचं काही तुम्हाला सुतराम शक्य हे नाही, तुम्हाला काही घेणं देणं नाही आहे। परंतु आम्ही तुमच्यापर्यंत सामान्य जनता पोहोचू शकत नाही। आज या प्रत्येक पेट्रोल पंपावर आपले फोटो लागलेले आहे, या फोटोलाच आम्ही पुष्प अर्पण करून आमच्या भावना आपल्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रत्यक्षात प्रयत्न करीत आहोत। ह्या भावना आपण आमच्या सामान्य जनतेच्या समजून भविष्यात पेट्रोल गॅस यांचे दर कमी करावे, स्थिरता ठेवावे। रोजच्या रोज पेट्रोलचे भाव वाढत आहे, गॅसचे भाव वाढत आहे। हे काही आजचे दिनचे स्वप्न नाही आहे, हे आजचे दिनचे स्वप्न सामान्य जनतेसाठी नाही, तुम्ही व्यापाऱ्यांसाठी। नागपुर के गंगाबाई घाट के नाले से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। कोतवाली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में शव की पहचान नहीं हो पाई है। नागपुर के गंगाबाई घाट क्षेत्र के नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से खलबली मच गई। एनएमसी ने इस शव को नाले से बाहर निकाला। हालांकि इस शव पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है, पर अज्ञात शव को लेकर छानबीन अभी भी शुरू है। पुलिस इस अज्ञात मृत व्यक्ति की पहचान जुटाने में लगी है। इस मृत व्यक्ति की उम्र लगभग 40 वर्ष पुलिस द्वारा बताई गई। वही इस व्यक्ति की हत्या या आत्महत्या है, इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। सकाळी एक कॉलद्वारे अशी पोस्टला माहिती मिळाली की एक डेड बॉडी हत्ती नाला गंगाबाई घाट हे नाल्यामध्ये आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून पोलीस स्पॉटवर गेले। लोकल एनएमसीच्या माध्यमातून डेड बॉडी वर काढलेली आहे, डेड बॉडी मिळून आलेली आहे। त्या अंदाजे वय 40 वर्ष, अद्याप ओळख पटायची आहे। ओळख पटवण्यासाठी पोलीस यांचे प्रयत्न सुरू आहेत। आजूबाजूच्या परिसरात डेड बॉडीवर प्राथमिकदृष्ट्या तपासणी केली असता कुठलेही माराचे किंवा असे काही वरण दिसून आलेले नाहीत, परंतु PM नंतर त्याबाबत अधिकृतपणे अधिक खुलासा होईल, त्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे आणि मृतदेहाची ओळख पटवणे सुद्धा सुरू आहे। ऑटो में सवार महिलाओं के जेवर चोरी करने वाली महिला चोरों की गैंग को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। इस गैंग में ऑटो चालक भी शामिल था। पकड़े गए आरोपियों में तारसा रोड कन्हान निवासी रंजिता विशाल पात्रे, पूजा रामचंद्र लोंढे, लक्ष्मी अजीत बोड़के और रामटेके नगर टोली निवासी रवि देवीलाल हाटागड़े का समावेश है। ऑटो में सवार महिलाओं के जेवर चोरी करने वाली महिला चोरों की गैंग को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। इस गैंग में ऑटो चालक भी शामिल था। पकड़े गए आरोपियों में तारसा रोड कन्हान निवासी रंजिता विशाल पात्रे, पूजा रामचंद्र लोंढे, लक्ष्मी अजीत बोड़के और रामटे के नगर टोली निवासी रवि देवीलाल हाटागड़े का समावेश है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 17 अक्टूबर की शाम बेलदार नगर नरसाला रोड निवासी मंगला हरी शेठे सेलू से ST बस में सवार होकर नागपुर आई। गणेशपेट बस स्टैंड पर उतर गई, फिर घर जाने के लिए ऑटो में सवार हुई। ऑटो में 3 महिलाएं पहले से सवार थी। रास्ते में महिला चोरों ने मंगला के गले से 1 लाख रुपए की सोने की चेन चोरी कर ली। उनकी शिकायत पर गणेशपेट पुलिस ने मामला दर्ज किया। क्राइम ब्रांच का सेंधमारी विरोधी दस्ता भी जांच में जुट गया। CCTV कैमरे की फुटेज खंगालने पर रवि के ऑटो का नंबर मिल गया। पुलिस ने सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया। पहले तो वह कोई जानकारी होने से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस यह हथकंडे अपनाने पर पूरी गैंग की पोल खुल गई और तीनों महिला चोरों को गिरफ्तार किया गया। सोने की चैन, मोबाइल फ़ोन और ऑटो सहित 2 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। रवि आरोपी महिलाओं को अलग अलग स्थानों पर ले जाता था, वहां सवारी के हिसाब से भाड़ा तय कर महिलाओं को बैठाता था। रास्ते में तीनों महिलाएं जेवर चोरी कर लेती थी। आरोपियों से और भी मामले उजागर होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली की ओर से पार्टी फ्लाईओवर गिरने की जाँच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। 19 अक्टूबर की रात को पार्टी फ्लाईओवर का एक सेगमेंट गिर गया था, जिसे प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। बयान जारी कर बताया गया है कि इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी टीम का गठन कर दिया गया है, जो जांच करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिल्ली की ओर से पार्टी फ्लाईओवर गिरने की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। 19 अक्टूबर की रात को पार्टी फ्लाईओवर का एक सेगमेंट गिर गया था, जिसे प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया है। बयान जारी कर बताया गया है कि इसके लिए उच्च स्तरीय तकनीकी टीम का गठन कर दिया गया है, जो जांच करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने बयान में कहा गया है कि ज्ञानन धनकरले एंड कंपनी लिमिटेड और एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त रूप से इस प्रोजेक्ट को बना रही है। एचबी टाउन से कलमना की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के पिलर 7 से सेगमेंट गिर गया है। प्रारंभिक जांच में यह पता नहीं चल पाया है कि यह घटना कैसे हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि बेयरिंग कोलैप्स होने के कारण यह घटना हो सकती है। कमेटी की जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। NHAI का कहना है कि अन्य पिलरों पर इसका कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। पिलर 7 और 8 को जनवरी 2018 में लगाया गया था, तब से अब तक जांच की गई। लासा मुंबई ने कई बार इसकी जांच की थी। बेयरिंग का निर्माण मेटल इंजीनियरिंग एंड ट्रीटमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया है। वर्तमान में निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। जांच होने के बाद ही दोबारा कार्य शुरू किया जाएगा। इस बीच कितने का नुकसान हुआ है या इस घटना के बाद प्रोजेक्ट में और कितना विलंब होगा, इसका अंदाज भी नहीं लगाया जा सका है। उल्लेखनीय है कि पारडी फ्लाईओवर सहित संपूर्ण काम में हुई लेट लतीफ़ी से लोग कई वर्षों से हलाकान हैं। अब सबको यह काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि एक लोकल कंपनी को प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया था, उसके बाद भी इतना विलंब होना दुर्भाग्य की ही बात है। लेट तो लेट, अब सेगमेंट गिरने के बाद स्थानीय कंपनियों की कार्यप्रणाली पर भी लोग उंगली उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि एसएमएस जैसी कंपनी काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनी है, इसके बाद स्थानीय प्रोजेक्ट में इस प्रकार की लापरवाही मुश्किल है। कोलकाता की कंपनी के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।